रिटर्न ऑल व्हीकल्स पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो हमारी व्हीकल गैरेज पर जा चुकी है। हेलो दोस्तों, टेक्निकला में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिंगल प्लेयर गैरेज का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। इस मोड को इंस्टॉल करने से आप अपने व्हीकल्स को परमानेंटली सेव कर सकते हो और उन्हें कौन सी भी लोकेशन पर बुला सकते हो। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मोड को इंस्टॉल करने से पहले आपको, अगर आप व्हीकल परसिस्टेंस मोड को इंस्टॉल किया है तो उसे अनइंस्टॉल करना होगा, नहीं तो ये मोड वर्क नहीं करेगा। यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है। और इस मोड को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ आपको scriptukvi.net और नेटिव UI इन तीनों की ज़रूरत होगी। scriptukvi.net इन दोनों को कैसे इंस्टॉल करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो आपको कार्ड पर दिख रहा होगा। उन दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप इन सब रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपका मोड वर्क नहीं कर रहा है तो आप इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल या अपडेट कर सकते हो। फर्स्ट आप सिंगल प्लेयर गैरेज के मोड को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेटिव UI को भी डाउनलोड कर लीजिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे दिखाई देगा। फर्स्ट मैं नेटिव UI और सिंगल प्लेयर गैरेज के फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद अगर आपके पास स्क्रिप्ट्स फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास स्क्रिप्ट्स फोल्डर है तो इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ फर्स्ट हम नेटिव UI को इंस्टॉल करते हैं। रिलीज का एक फोल्डर दिख रहा होगा, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा नेटिव UI.dll, इसको GTFI स्क्रिप्ट्स फोल्डर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। नेटिव UI को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ बैक आ जाइए। बैक आने के बाद सिंगल प्लेयर गैरेज का फोल्डर दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद स्क्रिप्ट्स में जाइए। उसके बाद यहाँ आपको दो फाइल्स मिल जाएंगे सिंगल प्लेयर गैरेज के। इन दो फाइल्स को GTFI स्क्रिप्ट्स फोल्डर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों GTFI ओपन करने के बाद F5 पर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो इसका मेन्यू ओपन हो चुका है। यहाँ आपको फर्स्ट से ही एक्लिप्स टावर मिल जाएगी। तो दोस्तों हम देख सकते हो यहाँ आपको, अगर आप गैरेज परचेस करते हो तो आपको ऐसा मैप में ऐसा मार्क आ जाएगा। यहाँ आपको बहुत सारे गैरेजेस मिल जाएंगे। यहाँ से आप इन्हें परचेस करने के बाद आपके गैरेज पर कलर आ जाएगा। तो चलो अब हम इस गैरेज के पास जाते हैं। तो दोस्तों इस एक्लिप्स टावर के पास आ जाने के बाद आपको यहाँ अंदर जाना होगा। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर आ चुका है प्रेस C टू एंटर गैरेज। ई पर प्रेस कीजिए।
यहाँ से आप फ्लोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट दो कार्ड्स मिल जाएंगे। इस गैरेज में आपको बाय डिफ़ॉल्ट दो कार्ड्स मिल जाएंगे। और इस येलो डॉट पर जाने से आपके गैरेज में है सो कार्ड्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो और यहाँ से ही आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हो। और यहाँ से आप रेडियो को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप व्हीकल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब हम एक व्हीकल को रिमूव करते हैं। रिमूव व्हीकल पर क्लिक कीजिए। इस व्हीकल को मैं रिमूव कर रहा हूँ, यस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम देख सकते हो हमारी व्हीकल रिमूव हो चुकी है। आपकी गैरेज में स्टोर्ड व्हीकल्स को बुलाना चाहते हो तो इसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो थोड़ा दूर चलते हैं। फर्स्ट आप F5 को प्रेस कीजिए, उसके बाद गैरेज को सेलेक्ट कीजिए। अब मैं इस व्हीकल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैप में आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हो हमारी कार आ चुकी है, हमारी गैरेज की कार आ चुकी है। और इसे फिर से गैरेज में रिटर्न करने के लिए आपको F5 पर प्रेस कीजिए, उसके बाद रिटर्न ऑल व्हीकल्स पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो हमारी व्हीकल गैरेज पर जा चुकी है। इसी तरह से आप कहीं से तो भी आपकी व्हीकल्स को बुला सकते हो और उन्हें यूज़ करने के बाद आप फिर से गैरेज पर रिटर्न कर सकते हो। तो चलो अब मैं एक और गैरेज को परचेस करके उसमें कार्ड्स को कैसे सेव करते हैं इसे दिखा दूंगा। तो चलो अब हम पास वाले गैरेज को परचेस करते हैं। मैं कौन सी भी कार को स्पॉन कर लेता हूँ और उसे ही सेव करूँगा। आप यहाँ ऐड ऑन कार्ड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हम देख सकते हो गैरेज परचेस करने का ऑप्शन आ चुका है। मैं ई पर प्रेस करूंगा। यहाँ आपको 8 फ्लोर्स मिल जाएंगे। हर एक फ्लोर में आप 10 कार्ड्स सेव कर सकते हो। तो चलो अब मैं फर्स्ट फ्लोर को बाय करता हूँ। तो दोस्तों हमने गैरेज को परचेस कर लिया है। तो दोस्तों हम देख सकते हो हमारे मैप पर गैरेज का लोगो आ चुका है।
यहाँ से आप कौन सा भी गैरेज परचेस करोगे तो उस गैरेज का कलर येलो हो जाएगा। तो चलो अब हम इस कार को इस गैरेज में सेव करते हैं। कौन सी भी कार गैरेज के पास ले जाइए, यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन आ चुका है प्रेस ई टू एंटर गैरेज, ई पर प्रेस कीजिए और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कहाँ इस व्हीकल को स्टोर करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी व्हीकल यहाँ सेव हो चुकी है। इसी तरह से आप कौन से भी व्हीकल को सेव कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।